का मस्त मौला अंदाज। अनोखे शौक, अनोखे मिजाज। को स्टार संग दोस्ती यारी निभाना, छुट्टी के दिन को फन के साथ बिताना, ऐसी ही है मैडम सर की करिश्मा यानी कि युक्ति कपूर, जो बहुत जल्द कीर्ति के किरदार में ढलकर नई कहानी कह दूं तुम्हें के साथ छोटे पर्दे पर आने वाली है। लेकिन आज ये सास बहू और बेटियों को अपना वो रूप दिखाएंगी जिससे आप सभी अनजान हैं। क्या आपको पता है कि इन्हें कॉइंस इकट्ठे करने का बहुत शौक है। ये पेंटिंग करना भी खूब पसंद करती हैं। थोड़ी चुलबुली है लेकिन जब भी बात आती है दोस्ती यारी की तो उसे दिल से निभाती है। आज ये अपने हर रंग से सभी को वाकिफ कराएंगी और साथ ही सास बहू और बेटियां को अपने प्यारे और सुंदर से घर की सैर भी कराएंगी। एक नया दिन और एक नई शुरुआत, और हम आ पहुंचे हैं आज किनके घर पे, आइए देखते हैं। हेलो, बहुत बहुत मुबारक नए शो के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत एक्साइटमेंट है सच में। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे फैंस को एक वो रिलीफ, एक सांस उन्होंने ले ली कि हाँ फाइनली आ गया, तो मैं उनके लिए ज़्यादा खुश हूँ। जी, और ऐसे मैं आज सास बहू और बेटिया की टीम आ पहुँची है युक्ति के घर पर। युक्ति, किस तरह से आज हमारे साथ दिन बिताने वाली हैं? मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा दिन कहाँ बिताती हूँ। तो मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, जो मेरा एक पीस एरिया है। मेरे को हर एक जगह पे मुझे पीस मिलता है। आई इन्जॉय हियर इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट। सो मैं आपको अपना पीस दिखाऊंगी। कमिंग कमिंग। रंग नंबर एक, युक्ति के घर का सैर सपाटा। जयपुर की रहने वाली युक्ति मुंबई में अकेली रहती हैं। इन्होंने अपना घर अपने हाथों से सजाया है, जहां इन्हें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स ही मिलती हैं। ये डाइनिंग एरिया है जहां मैं एग्जैक्टली यहां बैठ के खाना खाती हूं। और जैसे मैंने पहले अपने यूट्यूब वीडियोस में बताया था कि आई डू नॉट लाइक वॉचिंग समथिंग वाइल ईटिंग, तो ये मेरा एक पीस एरिया होता है। यहां मैं अपना खाना रखती हूं, पैर ऊपर करती हूं और ऐसे बाहर देखती रहती हूं। मुझे अच्छा व्यू मिलता है। एक बार व्यू दिखा दूं उनको। यहाँ खाना खाती हूँ। ये बहुत लकी होते हैं, इसलिए ये आपको मेरे मेकअप रूम में भी मिलेंगे और मेरे घर पे भी मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा लकी गुड लक होते हैं। तो ये बाहर का एरिया है, लॉबी एरिया। यहाँ पे जब फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो बैठते हैं, और फ्रेंड्स नहीं आते तो मैं यहाँ आराम से लेट जाती हूँ और सामने टीवी देखती रहती हूँ, नेटफ्लिक्स पे या कोई सीरीज़ या कोई फिल्म या कुछ। ये बाहर कॉफ़ी एरिया है। Hey, I want to make you meet my Twinkie and Winky. ये दोनों बहुत शैतान है, बहुत शैतान है। ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इनके साथ बैठ के मैं सुबह मॉर्निंग की कॉफ़ी यहीं बैठ के पीती हूँ और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, जेन्युइनली। मतलब सारे थॉट्स जो होते हैं, जो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, वो सब चले जाते हैं यहाँ पर बैठ के। मूविंग ऑन टू मंदिर। ये मेरा मंदिर है, सारे भगवान हैं, क्योंकि मैं सब में मानती हूँ और सब में मानना भी चाहिए, क्योंकि इतनी यहाँ पे बैठ के ऐसी एनर्जी मिलती है ना कि ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा कभी भी। एंड वॉट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ और वॉट एवर आई एम ड्रीमिंग, आई नो वो सब पूरी होंगी। ये जो मैं ड्रीम अभी जो मैं कर रही हूँ, ये भी कभी मेरा एक ड्रीम था जो आज पूरा हो रहा है। तो ये सब इनकी वजह से हो रहा है, तो थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि आपको भी ये बहुत ब्लेस करे।
पता नहीं आपने बाहर नोटिस किया हो कि नहीं, लेकिन बाहर मेरे घर के हमेशा हनुमान जी रहते हैं और अंदर पापा जी रहते हैं। और ये मेरा टेलीफोन है जिसमें पिया का कॉल कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। अच्छा, ये याद है किसी को कि नहीं याद है? ये भी कभी हुआ करते थे लाइफ में, ये बहुत ज़रूरी है यादें रखना, इसलिए मैंने इनको संभाल के रखा है। और ये फिर से मेरे पापा जी। ओके, मूविंग ऑन टू, आपको अपना एक कलेक्शन दिखाऊं जो मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, जो किसी को भी नहीं पता है। वेट, सो ये मेरा रूम है और मैं आपको सबसे पहले ये जगह बताऊंगी जहाँ पे बैठ के मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, या मैं सोचती हूँ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, या मैं कुछ और पढ़ती हूँ। यहीं बैठ के मैं मतलब बहुत कुछ कि मैं क्या कर सकती हूँ और कैरेक्टर में और क्या कर सकती हूँ, ये सब यहीं होता है। और दूसरी बात, मेरा एक कलेक्शन है जो ये है, इसमें 5 रुपीज़, 1 रुपी, 10 रुपी सारे कॉइन्स हैं। और ये अभी 10-10 के कॉइन हैं, अभी बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं हुए हैं, हो रहे हैं। मैं जब भी बाहर से आती हूँ कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अभी यहाँ पे भी कुछ कुछ है जो मैं इसमें भर दूँगी। शौक इंसान से कुछ भी करवाता है, शौक किसी भी चीज़ का हो सकता है। पता नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी कि हम कभी भी ये कहीं पे भी रख देते हैं, आपको घर में कहीं पे भी मिलेंगे। तो मुझे ना ऐसा लगता था कि क्यों हर जगह पड़े हुए हैं, इसको एक जगह होना चाहिए, तो एक जगह होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए। फिर मैंने बोला अरे इतने हो गए, अभी और भरूँगी और भरूँगी। तो फिर वो एक एक हो गया कि अब मैं संभाल के रखूँगी इसे। तो मैं कभी भी, मेरे पास चेंज होते भी है ना, तो मैं नहीं बताती हूँ नहीं मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे घर पर सेव करने होते हैं। हाँ, ये मेरा रूम है, ये मेरा बेड है जहाँ मैं सो जाती हूँ, और यहाँ पे भी एक बालकनी है। इस बालकनी से कम व्यू लेती हूँ, बाहर की बालकनी से ज़्यादा व्यू लेती हूँ। हाँ, बुद्धा जी मेरे बहुत क्यूट लगते हैं मुझे, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लकी होते हैं आपके लिए। और आप इनको देखेंगे तो देखो कैसे हंसते रहते हैं, तो आप भी हंसी दोगे। और ये मेरे फैंस ने ही मुझे भेजा है। ओह, इनसे तो मिलवाया नहीं मैंने आपको, प्यारे बुद्धा जी। कभी कभी ना, जेन्युइनली बता रही हूँ, जब मैं यहाँ से एंटर होती हूँ ना, तो मेरा ऐसे जाता ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ बुद्धा जी हैं, बुद्धा जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धा जी आपके घर में हो ना, ज़रूरी नहीं है बड़े हो, आप छोटे बुद्धा जी भी रख सकते हैं, पीस आएगा घर में, पीस। और घर वही अच्छा है जिसमें पीस होता है। ये एक किचन है, आई एम सॉरी थोड़ी सी मैसी हो सकती है, तो जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ के लाने पड़ते हैं ताकि आपकी यादें रहे। तो थाईलैंड, सिंगापुर, लंदन, ये गोवा से लाई थी माय वेकेशन, और ये राजस्थान, और ये दिवाली पे कार्ड पार्टी पे, और ये अगेन सिंगापुर। तो या रंग नंबर 2, युक्ति का शौक। युक्ति एक्टिंग में तो माहिर है ही, इन्हें पेंटिंग करना भी बहुत पसंद है। प्रोफेशनल पेंटर तो नहीं, पर अपने मन को खुश करने के लिए और अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए थोड़ी बहुत पेंटिंग कर ही लेती है। और आज इन्होंने अपने आने वाले सीरियल कह दू तुम्हें के लिए खास पोस्टर बनाया है। ये एरिया मैं दिखाना नहीं चाहती थी, पर मुझे फोर्स किया गया है GNT वालों ने, और मुझे अब दिखाना पड़ेगा कि मेरी वो पेंटिंग मैंने पता नहीं ऐसी ही बनाई थी। तो प्लीज़ गाइस डोंट जज मी प्लीज़, बट
पता नहीं, बस ऐसी बना रही थी। हाँ, इतना मत वो करो उसको। तो हाँ, यहाँ मैं पेंटिंग करने का शौक है, पर बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। पर कभी कभी मन करता है तो एक डेढ़ घंटा जब म्यूज़िक लगा के मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है करने को, तो मैं पेंट कर लेती हूँ। मतलब पेंटिंग पैशन नहीं है, बट अच्छा लगता है, मेक्स मी फील गुड। पैशन इज़ एक्टिंग ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सारे ब्रशेस हैं और ये प्लेट है। गाइस कितने ब्यूटीफुल कलर्स हैं यार, ऐसा कोई भी कलर नहीं है जो इसमें नहीं है यार। क्या मज़ा आता है कलर्स के साथ खेलने में, पता है? आप मिक्स करो, मतलब इट गिव्स यू डिफरेंट फील्स। कुछ भी कलर, कुछ भी करती हूँ मैं तो कलर्स के साथ। पता है क्या है, बहुत सबकी लाइफ बहुत हार्ड होती है, मेरी भी लाइफ बहुत हार्ड रही है। मेरी लाइफ हमेशा बहुत वाह 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 ऐसी नहीं है। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशंस आती है, सब सैड भी होते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि एक तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दिस इज़ टेम्प्ररी नॉट परमानेंट। और उस टेम्प्ररी पीरियड में मैं अपने आप को कैसे खुश रखूँ या कैसे डाइवर्ट करूँ अपने दिमाग को, वो आपको जानना चाहिए। तो मैंने इनमें खुशियाँ ढूँढी, मैंने और आगे बताऊंगी कि इसमें खुशियाँ ढूंढी, तो आप भी ऐसे ढूंढ लीजिए, ठीक है? बस खुश रहिए। गाइज मैंने पहले ही बोला था कि ये मेरा पैशन नहीं है, ये बस मुझे अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ, तो मुझे जज बिल्कुल मत करना। ये बस मैं अपने शो के प्यार के लिए कर रही हूँ। आप सबको देख रहे हैं स्टार प्लस पे रात को 11 बजे, ओके? रंग नंबर 3, युक्ति का करियर नामा। सोलह साल की उम्र में युक्ति ने दूरदर्शन के सीरियल नन्ही सी कली मेरी लाडली से अपने करियर की शुरुआत की थी। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, प्यार का दर्द मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये है मोहब्बतें और सिया के राम में काम किया। लेकिन इन्हें पहचान मिली सीरियल अग्नि फेरा से, और उसके बाद जब ये मैडम सर में आई तो घर घर ये करिश्मा के नाम से जानी जाने लगी। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन्हें एक्टिंग का चस्का कैसे लगा। मेरी मम्मी का पार्लर 22 साल था, खूबसूरत ब्यूटी पार्लर। और जब पार्लर 9 बजे खुलता था, मैं सुबह 8 बजे जाके मिरर के सामने प्रैक्टिस करती थी। मतलब मैं कोई भी सीन देखती थी, स्पेशली काजोल मैम, शी इज़ माय फेवरेट। जब भी उनका कुछ ऐसा स्पेशली, वो मुझे, आई लाइक इमोशनल सीन्स बहुत, मुझे इमोट करना बहुत अच्छा लगता है इमोशनल सीन्स में, तो मैं जाके रोती थी और लिटरली तभी भी आते थे मतलब आंसू। तो ये एक पार्ट था, बट आई वॉन्टेड टू बिकम एन एयर हॉस्टेस, बट आई कुडंट बिकॉज ऑफ माई हाइट। आई थॉट दैट, अब तो मैं देखती हूँ कि मेरी हाइट की काफ़ी एयर हॉस्टेस है, बट तब मुझे लगा था कि शायद नहीं हो पाएगा। सो ड्रीम था, मैंने बोला ना ड्रीम, गाइस ड्रीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ड्रीम था तो कैसे कैसे बन गए कि मैं यहाँ पहुँच गई। एक फैमिली शो आया ZTV पे, रॉक एंड रोल फैमिली शो, जिसमें मैं अपने घर वालों से लड़के उनको लेकर गई थी कि डांस करो, मुझे TV पे आना है। एंड फ्रॉम देयर हमारे DOP थे, हमारे बहुत बड़े नाम है वो ज्ञान जी, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। उनका एक शो आया, उन्होंने शो बनाया जिसके वो डायरेक्टर भी थे, और बस वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और एक्टिंग का कीड़ा लग गया। गुड्डी, नन्ही सी कली मेरी लाडली, DD नेशनल पे आया था। और आज भी, उस वक्त DD नेशनल
देखते थे बहुत सारे लोग, अभी भी देखते हैं, बट उस वक्त कुछ अलग क्रेज था, अब तो बहुत सारे चैनल्स आ गए। तो आज भी मुझे फैंस मिलते हैं जो मुझे बोलते हैं आप गुड्डी हो ना, और मुझे ऐसे लगता है अरे मैं तब 16 साल की थी, अब मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, तो भी उनको याद है। बहुत बार बहन बनी, बहुत बार सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किए, अच्छे कैरेक्टर्स किए, वो मेरी लर्निंग थी, वहाँ से स्ट्रांग होती गई होती गई। सबसे पहले तो अपने आप को इम्प्रूव किया, आप एक एक्टर हो, आपको अपने आप पे काम करना पड़ता है, मतलब यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर डाइट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेयर, एंड यू हैव टू बी यू हैव टू प्रैक्टिस योर एक्टिंग ऑल द टाइम। तो वो बहुत किया, शायद मैं बहुत अच्छी एक्टर कुछ टाइम पहले नहीं थी, शायद मैं उतनी अच्छी बहुत टाइम पहले नहीं दिखती थी, बट मैंने 2-2 घंटे रनिंग की, और मैंने सारे होम रेमेडीज़ करती हूँ, मैं कुछ भी बाहर के ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ, घर के पैक, घर का सब कुछ, अपनी स्किन का वैसे ध्यान रखती हूँ। और तो फिर शायद मेकर्स को भी लगा कि हाँ ना हो, मतलब अभी हाँ शी इज़ लुकिंग गुड, कैरेक्टर में जा रही है, शी इज़ ऑल्सो लुकिंग प्रिटी, तो मुझे फिर काम मिलता गया। अग्निफेरा शो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो पहला सोलो लीड था अंकित गेरा के साथ, वो किया 2 साल। फिर टचवुड, मतलब शोज चलते हैं, और मैं विश करती हूँ कि मेरा नया शो, कह दूँ तुम्हें, सालों साल चले यार, मतलब 10 साल चल जाए। आप इतना मुश्किल से, पता है एक शो आता है, कितना मतलब मीटिंग्स होते होंगे, और हम एक शो बनता है, वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं चाहूँगी कि मेरा शो बहुत अच्छा चले। कीर्ति जैसे ही मैडम सर ख़त्म होने वाला था, उससे ही पहले मुझे एक ऑडिशन आया कीर्ति का, और मैंने वो करके दे दिया। उसके बाद 1 महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, मैं भूल भी गई। फिर 1.5 महीने बाद मुझे कॉल आता है कि आप फिर से एक ऑडिशन भेजिए, फिर से भेज दिया। फिर 15 दिन निकल गए, फिर कॉल आता है कि आप लुक टेस्ट पाइए, लुक टेस्ट पे गई, लुक टेस्ट गई, फिर दिन निकल गए, फिर कॉल आता है कि आप सिलेक्ट हो गए। मतलब मैं ध्यान नहीं दे रही थी ज़्यादा, मैं और भी ऑडिशंस दे रही थी, बट टू बी ऑनेस्ट मेरा दिल लग गया था इस कैरेक्टर में, क्योंकि मैंने इतनी बार दे दिया था, और मुझे वो लुक प्लस कैरेक्टर का स्ट्रांग पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग गई थी, तो हो गया सिलेक्शन। कीर्ति एक सिंगल मदर है, मतलब शी गॉट डिवोर्स्ड, और उसका एक बेबी है 6 साल का पुरु, और इतन उसके लाइफ में बहुत ट्रॉमा, बहुत प्रॉब्लम्स रहे हैं, फिर भी वो एक ऐसी इंसान है जो मतलब कुछ भी हो वो बोलती है इट्स ओके यार, मतलब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, स्माइल इज़ इम्पॉर्टेंट, और कैसे वो अपने ही नहीं सामने वालों के भी चेहरे पे स्माइल ले आएगी कुछ ऐसा फ़नी बात करके। राइटर है वो, तो कुछ फ़नी डायलॉग्स मारती रहेगी, और बहुत समझदार है। तो मैं भी कीर्ति मतलब कीर्ति को इमोट कर करके इवन आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स कि कैसे हर वक्त खुश रहना है, वो मैं कीर्ति से सीखूंगी। आप भी बहुत इंस्पायर होंगे कीर्ति से, ये मेरा वादा है आपसे। मैं मेरी मम्मी को याद करती हूँ, मेरी मम्मी मेरे साथ कैसे थी इस टाइम पे, ऐसे करती थी, मुझे सब याद है, मैं वैसे ही करती हूँ जैसा मेरी मम्मी मुझसे। मैं बोल रही हूँ मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ही मेरी मम्मी है, अगर वो मैं मतलब लिटरली लाइक आई यूज़ टू वेट फॉर हर टू कम, क्योंकि वो पूरा दिन पार्लर में रहती थी, वो इतना बिजी रहती थी कि, और ओकेजन आ जाता था दिवाली वगैरह, तो मतलब हम मैं डैडी और मेरे भाई हम ऐसे हो जाते थे, आज तो 10 बजे से पहले मम्मी नहीं आएंगी घर पर। तो इतना उनको काम करते हुए देखा है कि वो एक इंस्पिरेशन मिला, और जैसे उन्होंने मुझे इतने प्यार से ट्रीट किया वैसे मैं पुरु को प्यार से ट्रीट करती हूँ, एंड टचवुड पुरु और मेरी एक बॉन्डिंग बन गई बस। वो बहुत प्यारा है, वो बहुत आपको उससे प्यार हो जाएगा, उसकी बातें, वो कितना कितने सारे मंत्र उसको पता है, वो कितना स्पिरिचुअल है, आई मीन आई एम सो ग्लैड कि मैं उसकी मापले कर रही हूँ। लव मी हाँ, बस प्यार चाहिए, क्या चाहिए, बस प्यार चाहिए। मेनली आई गो फॉर न्यूड कलर्स, क्योंकि मुझे बहुत जब मैं पार्टी के लिए जाती हूँ तो मुझे थोड़े डार्क कलर्स पसंद है, बट नॉर्मली आई लाइक न्यूड कलर्स, एंड दिस इज माय फेवरेट काइली का।
कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ, दिल में मेरे आज क्या है, क्या है? फोर्थ सितंबर 11 बजे स्टार प्लस पे, क्या है देखना है। रंग नंबर 4, युक्ति मुदित की यारियां। युक्ति संग डे आउट पूरा कर सास बहू और बेटियां विदा ले ही रही थीं कि युक्ति के घर के बाहर मुलाकात हो गई मुदित नायर से, जो सीरियल कह दूं तुम्हें में युक्ति के ऑपोजिट नजर आने वाले हैं। आज इन्हें मिल गई है छुट्टी, इसीलिए वो पहुंच गए हैं युक्ति के घर यारियां निभाने और एक दिन की छुट्टी को यादगार बनाने। हाय एवरीवन, मेरा नाम मुदित है और हमारा शो आने वाला है कह दूं तुम्हें स्टार प्लस पे, उसमें मैं विक्रांत का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। हम लोग पंचगनी में शूट कर रहे हैं, ये हमारा सेट, हमारी लोकेशंस पंचगनी में है। कह दूं तुम्हें कि शूटिंग करते करते थोड़ा सा टायरिंग हो गया था, आज हमारा ब्रेक है, तो मैं अपनी को स्टार युक्ति के घर चिल करने आया हूँ। लेट्स सी। छुट्टी है ना आज, सो वी जस्ट हैड टू चिल। हाय, ओ वाओ, वेलकम 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 वेलकम। ये क्या सरप्राइज है? अरे यार, छुट्टी थी, बोर हो रहा था, मैंने कहा कुछ कॉफी वॉफी पी लेता हूँ यार। वैसे मैं अभी कुछ बनाने जा रही थी खाने को। परफेक्ट टाइमिंग। आर यू हंग्री? या आर यू गाइस हंग्री? सो मैं खुश हूँ कि मुझे एक हाथ मिल गया साथ में चॉप करने के लिए। कम ऑन, एक्सीलेंट न्यूज। चलो, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट यार, इट्स बीन सो टायरिंग, तो मैंने कहा यार आज छुट्टी का दिन है, वी विल चिल। ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ है। तो एक्चुअली मैं नूडल्स बनाने जा रही थी। डू यू लाइक नूडल्स? आई डोंट नो। लव नूडल्स यार। यू लव नूडल्स? यू वांट मी टू चॉप समथिंग? हां, यू चॉप, यू चॉप, यू चॉप। मैं नूडल्स निकालती हूं। नूडल्स निकालना, उसमें पानी में रखना, यू नो, डन। दोस्त घर आए और उससे रसोई में काम ना कराए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए कैसे ढेर सारी बातों और मस्ती मजाक के साथ दोनों ने मिलकर रसोई में अपनी पाक कला दिखाई और अपने सेट को याद किया। अरे बाप रे, मैंने किससे पंगा ले लिया? सॉरी सरकार, सॉरी सरकार। सबसे बड़ी बात ना ह्यूमिडिटी ना गर्मी। आई नो, एक्सीलेंट व्यूज। ये मुझसे ये भी नहीं होगा क्या आज? मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ यार। आप देख रहे हैं हमारी युक्ति का टैलेंट। मुझे कंपटीशन देना है अभी ये मुद्दत को। मैंने उसको ढूंढा कि गड़बड़ कहाँ। आपने देखा हमारी युक्ति ने मैगी के लिए नींबू भी निकाला? हाँ, वो तो मेन है ना। What? उससे पैक कटता है। Nice. एंड में नींबू डालो तो। बेसिकली हमारा शो थ्रिलर है, कॉमेडी है, एक सेकेंड रोमांस भी तो है। रोमांस भी है, कुछ अलग तरीके का रोमांस है एक्चुअली, बहुत ही, वो आप शो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो फर्स्ट एपिसोड देखेगा वो एंड तक देखेगा। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी एक्चुअली। क्या? अच्छा, प्याज टमाटर अलग पैन में बनेंगे। नहीं, अच्छा हाँ, सॉटे करके ना। हाँ वो अलग है। हाँ आता है मुझे खाना बनाने, आता है। ओके, मैंने भी कुछ मेहनत कर दी, मैंने भी प्याज काट दी। देखो मुझे भी चॉपिंग करनी आती है। ये वाले मेरे हैं, ये वाले मुदित के, ये वाले। इसे कहते हैं बिल्कुल फालतू की फुटेज खाना।
ऑलरेडी चॉप प्याज थे उनको बस उन्होंने और आधा कर दिया। I'm kidding. Excellent. ये वाले अलग से दिख रहे हैं। पंचगनी में जब हम आए थे तो सब मतलब जैसे ही मैं एंटर हुई तो मुझे सबसे पहले मुदित ही दिखे थे, तो वहाँ से भी मतलब क्योंकि आप पहली जगह जाते हो तो आप थोड़े से फैमिलियर फेसेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली, तो लाइक मुदित यार ठीक है, तो वहीं से ही फ्रेंडशिप हो गई थी हमारी और मजा आता है सीन्स करके ना। बहुत मजा आता है क्योंकि जनरली टीवी आपने भी किया है, मैंने भी किया, वी नो हाउ टीवी कंटेंट जनरली इज, बहुत एक पॉइंट के बाद मजा नहीं आता, बट मुदित कुछ है जो आपको दिखाना चाहती हूँ, यहीं रहो मैं लेकर आती बिल्कुल भी हंसना जल्दबाजी में यही बन पाया नॉट बैड यार नहीं एकदम थीम फिट हो रही है हमारे शो की, इट्स वेरी डार्क विद रेड, दिस इज एक्चुअली प्रीटी स्पॉट ऑन यार। थैंक यू, यू आर अ वोल्केनो ऑफ टैलेंट यार। रियली? या यार, यू टू। यहाँ जनरली जब पैकअप होता है तो घर भागने की जल्दी होती है, लेकिन वहाँ पे सब साथ हैं, सब आराम से निकलते हैं, देर इज़ नो पैनिक, बहुत आराम से इत्मीनान से सब जाते हैं, सब आजू बाजू किसी का कमरा यहाँ है यहाँ है, पैकअप के बाद डिनर कभी किसी बारे में तो बताओ, ब्लैक कलर की क्या नाम इसका? हमारे सेट पे जो ऑफकोर्स ये सेट नहीं है, ये रियल लोकेशन है, तो जिनकी ये लोकेशन है उनका वहाँ पे एक पेट डॉग है, स्वीटी नाम है, स्वीटी सॉरी, तो हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है, वो अक्सर मेरे मेकअप रूम में आके बैठ जाती है और उनके रूम में ही रहती है हमेशा पूरा टाइम। स्वीटी 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 तेरा प्यार जाहिदा, स्वीटी लव्स मुदित, मैं जब देखती हूँ तो मुदित के रूम में रहती है, बाहर आती हूँ तो मुदित के रूम के बाहर से निकल रही होती है, तो आई थिंक वो मतलब शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी, सो एम आई, या आई डू। रंग नंबर 5, खेल खेल में। खाना पीना तो हो गया, अब बारी है खेल खेलने की, जिसमें युक्ति ने मुदित को चैलेंज दे दिया। देखो खाने के मामले में तो मुदित ने मुझे हरा दिया, बिकॉज ही इज जेन्युइनली अ गुड कुक, और इसमें मैं मुदित को हराना चाहती हूँ, और देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। आई स्टार्ट, नहीं 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 आई स्टार्ट, इधर इधर करना है, इधर करते हैं, इस टाइम पे इधर करते हैं, सच में, अरे इधर ही होता है ना इस टाइम पे, अच्छा इधर होता है क्या, ओके अभी मैं बताती हूँ, अभी आपको एग्जैक्टली इधर करना है, ये हो गया ड्रॉ। नहीं, नहीं 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 मैं जीती हूँ। कैसे? ऐसे मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं हारने वाली हूँ? हाँ ये मुझे पता है, ये कुछ ट्रिक होती है ना यहाँ से, अब साक्षात भगवान भी आपको नहीं बचा सकते। और बचा लिया तो हाँ कुछ अलग कर दूं क्या? एक्स तो मेरा है। है? एक्स मेरा, एक्स आपका है, सॉरी जीरो। अच्छा मैं जीरो हूं क्या? ये तो नया ही अतरंगी चीज देखी मैंने। मेरा यहाँ लगा दीजिए, गेम ओवर है। ये
क्या ट्रिक है, मुझे भी समझाओ ना, मैं भी कभी किसी को हरा सकूं, आपको नहीं हराऊंगी। अगर तो आपने स्टार्ट किया, हाँ, इफ हु, जिसने भी एक्स से स्टार्ट किया, अगर सामने वाले ने सेंटर के अलावा कहीं भी डाला, ही कांट विन, वो हारेगा यार। अच्छा, तो मुझे सेंटर में, अब मैं वापस ही खेलती हूँ, ये लो। अभी भी एक गलती कर सकते हो आप। क्या? I don't know, बच गए। अभी भी जीत सकते हो क्या? अब कोई नहीं, अब ड्रॉ हो गई है। आज सास बहू और बेटियाँ के वजह से और मुदित के वजह से जो मेरा एक मी टाइम था वो इतना अच्छा, ऑल टाइम नहीं, वी टाइम, क्या बोलूँ, फन टाइम हो गया है और बहुत मज़ा आया। ऐसे ही हम वहाँ पे भी चिल करते, ऐसे ही हमने यहाँ चिल कर लिया। अभी मुझे बहुत ज़्यादा पंचगिनी की याद आ रही है मुदित के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके। अब ऐसा लग रहा है कि हम जाके शूट करें अच्छे से और आपके लिए बहुत अच्छे एपिसोड्स लाए, तो आप, हम चाहते हैं कि आप हमारे प्यार में पड़ जाए। बहुत मज़ा आया सास बहू और बेटियाँ की टीम के साथ, एंड वी लुक फॉरवर्ड कि ऐसे फन सेगमेंट्स और होते रहें। और प्लीज़ आप हमारा शो देखते रहिएगा स्टार प्लस पे, कह दूँ तुम्हें 11 बजे 4 सितंबर से आपके घरों में आएगा। प्लीज़ आप देखिएगा और प्यार दीजिएगा। बाय, थैंक यू फॉर कमिंग। भाई, दोस्ती में हार जीत नहीं होती और ना ही नाराजगी, होता है तो सिर्फ प्यार। लेकिन सीरियल कह दूं तुम्हें में कीर्ति और विक्रांत की दोस्ती रोमांच और रोमांस से भरी होगी, जिसे देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।